कोतवाली की बड़ी कार्रवाई, 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। मंदसौर थाना कोतवाली प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर नाका नंबर 10 पर पुलिस द्वारा हीरोहोंडा का पैशन प्रो पर आते ही 2 व्यक्तियों को रोका, जिसमें एक का नाम सतपाल गुर्जर वही दूसरे का नाम लोकेश झाकड़ बताया गया। पुलिस द्वारा तलाशी पर 2 किलोग्राम अफीम मिली। दोनों आरोपियों पर राजस्थान के चित्तौड़ के पास जावदा के राजेश गुर्जर से ही अफीम लाना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से आगे की पूछताछ कार्रवाई जारी है। टीम कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे। सूचना पर दबिश दी गई थी और 2 व्यक्तियों को 10 नंबर नाके के पास से दस्तयाब किया गया था, जिनके पास 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिला है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के बताए अनुसार वो जावदा के राजेश गुर्जर से सामान लेके आए थे। एक आरोपी का नाम शिवलाल गुर्जर है, दूसरे का नाम लोकेश धाकड़ है। दोनों थाना जावदा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जावदा तरफ लेकर जाना बता रहे थे। आगे की कार्रवाई जारी है। सर मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे? हाँ, एक मोटरसाइकिल है पैशन प्रो।